भीष्म पितामह जी ने प्रहलाद महाराज जी उद्धव जी ने कहा है, विष्णु में अर्थात कृष्ण में अनन्य ममता हो, और वो ममता कैसी हो, प्रेम संगता। ममता जब तक नहीं आएगी ब्रज के प्रेम में अधिकार नहीं होगा। ममता के ऊपर में ही शांत दास सबका बात्सल्य और मधु है। सख में दास में कुछ ममता है, हमारे प्रभु कृष्ण है। सख में ममता है किंतु कृष्ण ने खाया कि नहीं, नहीं खाया। कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको ताड़न दर्शन मारना और धमकाना ये सब नहीं हुई। उनसे अधिक ये नंद जसोदा उसके भाव वाले लोगों में ममता अधिक है, और उसे ममता अधिक कहा है गोपियों में, और गोपियों में से सबसे श्रेष्ठ अधिक कहां पर है, राधा जी में ममता है। इसलिए राधा जी का में ममता अधिक होने के कारण वो सर्वोत्तम समस्त गोपियों में वो कृष्ण की प्रेयसी है। इस तरह से उन्होंने सब भक्ति का तारतम्य श्रद्धा से लेकर आदम श्रद्धा तथा साधु संग इत्यादि से प्रेम, यहां तक कि स्नेह मां प्रणय भाव महाभाव ये भी सब कठिन है दिया है। महाभाव ने दिया कृष्ण विषय के सब सर्वोत्तम है, और राधिका जी प्रेम के आधार के रूप में ये सबसे श्रेष्ठ है। ज्यादा असर व्यक्ति इन दोनों में जब प्रीति होती है, प्रीति में तन्मय हो जाते हैं, तो राधा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उच्च भाव, उसको कहते हैं महाभाव। ऐसे उन्होंने सभी को दिया है। इस प्रकार से हमने उनकी रूप गोस्वामी के रूप गोस्वामी के क्या अवधान रूप गोस्वामी के वर्णन में हम उनके वो उनका ये सब चीजें समुद्र के समान है, अर्थात रूप गोस्वामी के गुण अनंत अर्थात है। मैं उस समुद्र के निकट तट पर खड़ा होकर उसमें किंचित विशेषताओं को हमने वर्णन किया है। अभी शाम से वहां पर हमारे मठ में रूप सनातन में सभा होगी विद्वत जनों की, रसिक जनों की, आप लोग उसमें पधारेंगे। आज यही तरह करके अपना वक्त सभा कर सके। वहां पर ठाकुर जी महाप्रभु जी का विग्रह था, उसको हम लोग ले आए मथुरा में उस स्थापन कर दिया गया। इसके बाद में वो यहां पर आए, उस घर में रहते थे, उस घर में रसोई बनती, उस घर में मैं जब मथुरा से आता उनके पास में एक पैसा कौड़ी नहीं थी। मैं अपनी चादर बिछा देता और दोनों हरि कथा बोलते, और हरि कथा के बाद में उस घर में जाकर के रसोई में वो रोटी मिलते और मैं लेकर के उस पर से टेक करके घी लगा देता, फिर भोग लगा करके ठाकुर जी का, और फिर हम लोग पाते। बहुत दिनों तक करीब करीब यहाँ पर थे, कितने महीने। इसके बाद यहीं से दिल्ली होकर के
सिंधिया नेविगेशन गेट से चले, उनसे हमारा बड़ा सख्त भाव था, हमको पत्र दिया जो तुम्हारा हमारा संबंध ट्रांसेंडेंटल है, जो हमारा संबंध प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती से था वही संबंध तुम्हारा। और अंतिम दिन हमको बुला करके बोले हमने कुछ अपराध किया है गुरु भाइयों के चरणों में, वे लोग क्षमा कर देना, आप भी क्षमा कर, मेरी समाधि आप अपने हाथ से देंगे, हमारा उत्सव आप ही कराएंगे, और हमने बंदरों को बजा करके लाया है पश्चात देश, उनकी शिक्षा हम कुछ नहीं दे सके, आप उनको देखेंगे, उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से उनका स्थान है, उनको भी हम नमन करके अभी चलिए वहां पर ठाकुर जी का दर्शन करें और कर करके फिर मठ में चले। हरे कृष्ण, दर्शन करते जाते थे फोटो लोगे, फिर दर्शन फोटोग्राफी वीडियो स्ट्रिक्टली कर ही दीजिए। हरे कृष्ण, बोलो श्री राधा दामोदर जी की जय। बोलो बोलो बोलो।